गर्ल्स कॉलेज में महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं की गरिमा बनाए रखने संकल्प लिया गया, साथ ही इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। शासकीय डॉक्टर पाटनकर महाविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, रंगोली पोस्टर मेकिंग, कविता पाठ सहित विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम की संयोजक डॉक्टर रेशमा लाकेश ने बताया कि इस बार भी वुमेन क्लब की ओर से रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें महिला सशक्तिकरण पर छात्राओं ने जहां रंगोली एवं पोस्टर बनाए, वहीं कविताओं एवं गीतों के माध्यम से नारी शक्ति को बड़े रोचक ढंग से रेखांकित किया। कार्यक्रम में संबोधन में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सुशील चंद्र तिवारी ने कहा कि आधुनिक परिवेश में महिलाएं और ज्यादा सशक्त होकर आगे बढ़ रही हैं, विशेषकर शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में पुरुषों की तुलना वे आगे हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं के द्वारा किए गए संघर्ष, उनकी उपलब्धियों और दुनिया को बेहतर बनाने के लिए किए गए योगदान को याद दिलाने का दिन है। आज के दिन की विशेषता बताते हुए उन्होंने कहा कि सभी देशों में लैंगिक समानता की बात की जा रही है, लेकिन अभी भी ये मूर्त रूप नहीं ले सका है। आज हमें संकल्प लेना है कि महिलाओं की गरिमा बनाए रखेंगे। इस संबंध में न्यूज टीम को महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सुनील चंद्र तिवारी व कार्यक्रम की संयोजक रेशमा लाकेश ने अपनी प्रतिक्रिया दी। महिला दिवस के अवसर पर यही संदेश है कि महिला सशक्तिकरण और महिला के आत्मनिर्भरता के लिए हम सभी लैंगिक समानता की बात तो करते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं कर पाते हैं, और उसके लिए हम सबको एक संकल्प लेना होगा। और निश्चित रूप से महिलाएं आज के इस परिवेश में काफ़ी सशक्त हुई हैं और आत्मनिर्भर भी हुई हैं, और विभिन्न क्षेत्रों में, खासकर शिक्षा के, चिकित्सा के क्षेत्र में महिलाएँ 20 है, 19 नहीं है, और हमारी थीम भी यही है और आज का इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी है। सबसे खुशी की बात यह है कि इस अवसर पर हमारे साथ हमारे छात्र जुड़े हैं, और ये जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं, एक तरह का जागरूकता कार्यक्रम है। हमारे छात्र तो जागरूक होंगे ही, इसके अलावा ये जाके समाज में इस जागरूकता को फैलाएंगे कि नारी सशक्तिकरण एक विकसित समाज के लिए कितना ज़्यादा जरूरी है। शिक्षा, व्यवहारिक ज्ञान और कौशल विकास, ये एक सशक्त नारी के लिए अत्यंत आवश्यक है और उसके विकास के लिए, उसके आत्मनिर्भर होने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आज जहाँ पे काम की बातें हो रही हैं, वहीं पे कुछ इसको हम एक त्यौहार की तरह मना रहे हैं। आप देखेंगे कि हमारे स्टूडेंट्स पहली बार इतनी संख्या में आज यहाँ पर जमा हुए हैं, और रंगारंग कार्यक्रम भी है, काम की भी बातें हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे इतने सारे स्टूडेंट्स आज कोरोना के बाद 3 साल बाद हम सब यहाँ पे इतनी तादाद में। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।